हेलो एवरीवन, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूँ वाई फाई स्टडी 7 मिनट ट्रिक चैनल पे। तो गाइज, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाए आपके फेवरेट एजुकेटर्स के सेशन के। और अगर आपको सेशंस पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करा करिए, क्योंकि हमारे लिए पेट्रोल का मोटिवेशन का काम करता है आपका थम्सअप। तो प्लीज़ थम्सअप ज़रूर दीजिएगा, सेशन समझ में आए, सेशन अच्छा लगे तो। तो गाइज़, मैं आपका वेलकम करती हूँ, मेरा नाम आकांक्षा कुमार है, आइए अपना सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग 25+ फोबियाज यहाँ पे इन 7 मिनट्स करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नया क्या होने वाला है? नया ये होने वाला है, ये वो फोबियाज हैं, सिलेक्टेड फोबियाज हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। और अगर आप इन्हें याद कर लोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर फोबिया वाला क्वेश्चन आएगा तो आप काफ़ी ईजीली उसको कर पाओगे। तो गाइज, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अपना सेशन। आपको पता ही होगा, फोबिया एक रूट वर्ड होता है, फोबिया का मतलब होता है डर, इरेशनल फियर, किसी भी चीज़ से हो सकता है इरेशनल फियर, तो वो फोबिया कहलाता है। और ह्यूमंस जो होते हैं वो वनरेबल होते हैं और ह्यूमंस को कई चीज़ों से फोबिया हो सकता है। आइए देखते हैं मुझको आपको कौन कौन से फोबियाज हैं, क्योंकि जनरली हम किसी ना किसी डर से ग्रस्त होते हैं। तो चलिए भाई, आइए फोबियाज पढ़ते हैं जो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगे और आपको आपकी नॉर्मल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को और अच्छा बनाने में भी हेल्प करेंगे। तो आइए, पानी से डर, फियर ऑफ वाटर, अगेन एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट, हाइड्रोफोबिया कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इज फियर से डर, कि हमें कोई डर ना हो जाए, तो उससे डर क्या कहलाता है? दैट इज फोबोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ फियर्स, ठीक है, फोबोफोबिया, डर से डर। नेक्स्ट देखिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, हाइट से डरना, दैट इज एक्रोफोबिया, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज, ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ फोबियाज की तरफ चलते हैं। पेन, दर्द से फोबिया क्या कहलाता है? एल्गोफोबिया कहलाता है, दर्द से फोबिया। तो फोबिया रूट सेम रहेगी सब में, आगे आपके इसके प्रिफिक्सेस बदलते जाएंगे। तो एल्गोफोबिया इज फियर ऑफ पेन। किताबों से डर, किताबों के लिए जो रूट यूज होता है दैट इज बिबिलियो। किताबों से डर का मतलब होता है कि इसके लिए जो वर्ड यूज होता है बिबिलियो फोबिया यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो फिफ्थ वाला वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिबिलियो फोबिया, एग्जाम में भी पूछा जाता है आपसे। टाइम से डर, डेडलाइन से डर, कहीं वक्त ना निकल जाए, इस चीज़ का डर कहलाता है क्रोनोफोबिया। अगेन क्रोनो जो है रूट होता है और हेल्प करता है ये आपको टाइम से रिलेटेड चीज़ें याद रखने में, जैसे क्रोनोफोबिया, क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट सेट ऑफ फोबियाज आपके सामने ये रहे भाई, खूबसूरती से डर। हाँ जी, देयर आर पीपल, जो लोग ब्यूटी से डरते हैं उनके अंदर किस चीज़ का फोबिया होता है, मतलब उस फोबिया को हम क्या कहते हैं जो ब्यूटी से डर को दर्शाता है, दैट इज सेलोफोबिया। और ये रियली में होता है यार, ये रियली में होता है कि ब्यूटी से, बहुत ज़्यादा ब्यूटी से लोग डरते हैं, सुंदर लड़की से शादी मत करना, वो काबू करके रखेगी आपको, दैट इज सेलोफोबिया। अब भाई सुंदरता से डरते हैं तो अगलीनेस से तो डरते ही लोग, कहीं हम अगली ना हो जाए, अगली चीज़ों से डर क्या कहलाता है? कैकोफोबिया कहलाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हर इंसान डरता है और ये पूछा भी गया है पिछले कुछ 10 एग्जाम्स में, बुढ़ापे से डर, ओल्ड एज से डर, ये कहलाता है गेराफोबिया। अगेन इंपॉर्टेंट, गेराफोबिया, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फोबियाज की तरफ। सबसे पहला फोबिया इज घोड़ों से डर। घोड़ों से डर को कहते हैं क्वीनोफोबिया, या इसके लिए एक और वर्ड होता है हाइपोफोबिया, हिपोफोबिया। हिपोफोबिया इसके लिए यूज होता है, ठीक है, हिपोफाइल, घोड़ों से प्यार जो करते हैं उनको हिपोफाइल कहते हैं, और घोड़ों से नफरत जो करते हैं उनको इक्विनोफोबिक बोलते हैं या हिपोफोबिक बोलते हैं। नेक्स्ट फोबिया देखिएगा, बीमारी से डर। बीमारी से डर के लिए यूज़ होता है हिमाटोफोबिया। तो काफ़ी लोगों को ये डर है कि हमें कोरोना ना हो जाए, तो सब लोग घर में बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों को हो सकता है हो भी गया हो, या उनको डर था कि हमें कोरोना वायरस हो गया है, बट वो चेक कराने नहीं गए। तो डॉक्टर के यहाँ जाने से, दवाई लेने से जो डर होता है दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोफोबिया। तो फियर ऑफ मेडिसिन, फियर ऑफ मेडिकेशन इज कॉल्ड फार्माकोफोबिया। अगेन इक्विनोफोबिया और हिपमेटोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेट ऑफ फोबियाज में आ गया आपका फियर ऑफ डेथ। डेथ का फियर क्या कहलाता है? तो देखिएगा, थैनाटोफोबिया इज कॉल्ड फियर ऑफ डेथ, अगेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट देखिएगा, फियर ऑफ डार्कनेस, अगेन SSC में पूछा गया था, नाइटोफोबिया इज फियर ऑफ डार्कनेस। देन वी हैव नेक्स्ट सेट ऑफ फोबिया इज फियर ऑफ ब्लड।
मुन्ना भाई में देखा था, मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त बेहोश हो जाते हैं खून देख के, तो काफी लोग ऐसे होते हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, मुझे खून बर्दाश्त नहीं होता और अपना खून नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो हीमोफोबिया इज फियर ऑफ ब्लड, हीमोफोबिया अगेन इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिए। नेक्स्ट सेट ऑफ फोबियाज आपके सामने ये रहे, डॉग्स वैसे तो बहुत क्यूट होते हैं बट कई लोग डरते हैं, जैसे आई एम वन ऑफ देम, मैं डरती हूँ कि डॉग मुझे काट ना ले, तो फियर ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड साइनोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फियर ऑफ स्पाइडर, अगेन काफी लड़कियां डरती होंगी तो एकेरनोफोबिया बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। और मेरा फेवरेट फियर ऑफ लिजर्ड, ऑल्दो मैं कम डरती हूँ बट काफी लोग डरते हैं लिजर्ड से, हर पेटोफोबिया कहलाता है ये, अगेन इंपॉर्टेंट है हर पेटोफोबिया, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, साइनोफोबिया अगेन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गाइज आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेट ऑफ फोबियाज की तरफ, फियर ऑफ स्नेक्स क्या कहलाता है देखिएगा, ऑफिडियोफोबिया अगेन एग्जाम में पूछा जा चुका है, फियर ऑफ कैट अगेन एसएससी एग्जाम्स के में पूछा जाता है, एलेरोफोबिया कहते हैं इसको, फियर ऑफ कैट को देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये फोबियाज का, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, पेट क्वेश्चंस है ये। क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस को। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट फियर ऑफ मैरिज गैमोफोबिया कहलाता है, गैम जो होता है वो मैरिज के लिए रूट होता है, तो गैमोफोबिया इज फियर ऑफ मैरिज। फियर ऑफ डर्ट और वायरस कि हम गंदे ना हो जाएं, हमें वायरस ना लग जाए, दैट इज माइसोफोबिया, ध्यान रखिएगा इट इज माइसोफोबिया। नेक्स्ट देखिएगा फियर ऑफ लव कि भाई प्यार नहीं करना, प्यार करने से कुछ नहीं होगा, तो वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो दैट इज फिलोफोबिया। फिल जो है दैट इज रिलेटेड टू लव एंड फोबिया इज रिलेटेड टू फियर। लास्ट सेट ऑफ फोबियाज जो आपके सामने है भाई, स्कूल से डर क्या कहलाता है, स्कूल से डर साइकोलोनोफोबिया इज कॉल्ड स्कूल से डर, स्कूलोफोबिया इज स्कूल से डर। ठीक है, फियर ऑफ नीडल्स फियर ऑफ इंजेक्शन क्या कहलाता है, ट्राइपैनोफोबिया इज फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शन। फियर ऑफ स्लीप कहीं हम ज़्यादा सोते ना रह जाएं, तो दैट इज कॉल्ड सोमिनी फोबिया इज कॉल्ड फियर ऑफ स्लीप, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे फोबियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, ध्यान रखिएगा, इनको आपको याद कर लेना है अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो और इसी तरह की चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो गाइज सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आकांक्षा कुमार आपसे बाय कहती हूँ और आपका दिन शुभ हो इसी कामना के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय एवरीवन, टेक केयर।